नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे IDBI एग्जीक्यूटिव के बारे में, बात करेंगे जहां पे हम देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सभी को देखेंगे। इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं 18/8/2021 तक का, और ये कलर का एक फॉर्म है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर्म निकला है 2021 में, बहुत दिनों के बाद ये फॉर्म निकला हुआ है, और लास्ट डेट भी 18/8/2021 तक आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है। तो बहुत कम दिन आपके पास बचे हुए हैं, और यहाँ पे टोटल 920 वैकेंसी है, और ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, SC ST है तो 50% होना चाहिए, 20 से 25 एज लिमिट आपका होना चाहिए, और एग्ज़ाम जो होगा सितंबर 2021 में हो जाएगा, 5 सितंबर 2021 से। और यहाँ देखिएगा, ये अनरिजर्व के लिए 373 वैकेंसी है, और EWS के लिए 92 वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी अच्छा खासा है। मुझे लगता है कि पहली बार इतना वैकेंसी आया हुआ है शायद, और 138 वैकेंसी SC के लिए है, ST के लिए 69 है, 248 वैकेंसी OBC के लिए है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे नीचे चलते हैं तो यहाँ देखिएगा इम्पोर्टेंट डेट लिखा हुआ है कि कट ऑफ है, कट ऑफ क्राइटेरिया 1 जुलाई, मतलब एज क्वालिफिकेशन आपका 1 जुलाई 2021 से तक कंप्लीट होना चाहिए, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त से लेके 18 अगस्त 2021 तक होगा। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एट ऑल सेंटर 5 सितंबर को होगा, उसके बाद इनरोलमेंट कैरियर ये सब देख लीजिएगा, और यहाँ पेमेंट आपको क्या मिलेगा, 29,000, 31,000 और 34,000, मतलब पहला फर्स्ट ईयर मिलेगा 29,000, दूसरे सेकंड ईयर मिलेगा 31,000, और थर्ड ईयर मिलेगा 34,000, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सर्विस आपको कराया जाएगा, उसके बाद आपको असिस्टेंस मैनेजर के पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा है, 3 साल तक आपको काम करना है, उसके बाद आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है, आपके काम के अनुसार। और यहाँ अगर आगे आप देखेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, और कि यहाँ क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, तो सिंपल ग्रेजुएशन पास रखा गया, और डेट ऑफ बर्थ आपका कंप्लीट होना चाहिए 2 जुलाई 1996 तक आपका 25 साल हो जाना चाहिए, ठीक है, 2 जुलाई से कैलकुलेट किया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन 5 साल 3 साल 10 साल जो आप लोगों को पता है ये मिलेगा, जैसा सब जगह मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया मैंने, ग्रेजुएशन 55% है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी सब कैटेगरी वाले 1,000 रुपये में, और SC कैटेगरी वाले 200 रुपये में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई आप लोग को पता है, लिंक मैं आप लोग दे दूंगा, वहाँ से जाके अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। और वाइट पेपर मतलब सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लैंक पेज पे होना चाहिए, वाइट ब्लैक इंक से होना चाहिए, 10 से 20 KB का सिग्नेचर होना चाहिए, फ़ोटो 20 से 50 KB का होना चाहिए, उसके बाद थंब इम्प्रेशन होगा और डिक्लेरेशन होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे ये टेक्स्ट में ये लिखना है, ठीक है, आपको डिक्लेरेशन में ये लिखना है, तो ये आप लोगों को पता होगा। फ़ी मैंने बता दिया, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न अभी हम देख लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न कहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिया होगा, यहाँ देखिएगा एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ देखिएगा कि मेरे हिसाब से ये एक ही फेज में एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स में नहीं होता, सीधा मेंस होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 नंबर का होगा, 90 मिनट आपको समय मिलेगा, 90 मिनट में 150 क्वेश्चन बनाना है, कलर के लेवल का एग्ज़ाम होता है, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद और कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे कॉल लेटर यहाँ लिखा हुआ है कि ये देख लीजिएगा, 27 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड आएगा शायद, यहाँ बताया गया 27 अगस्त को वेबसाइट पे बेस्ट कॉल लेटर टेस्ट एंट्रिंग दी रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। एडवाइस टू विजिट IDBI बैंक वेबसाइट फ्रॉम 27 अगस्त 2021 ऑनवर्ड। अच्छा, शायद ये रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आप जो होता है उससे डाउनलोड करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कॉल लेटर के बारे में बताया जा रहा है, तो सितंबर में एग्ज़ाम है ना, तो अगस्त के बाद सितंबर कॉल लेटर आपका 27 तारीख को आ जाएगा, ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर आता है ना, तो 27 तारीख को कॉल लेटर आपका आ जाएगा, तो बहुत जल्द दोस्तों इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको फिल करना चाहिए, अगर आप इसके लिए अप्लीकेबल है तो इसे अप्लाई ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है।
और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपको जो भी है यहाँ सेंटर देखिएगा, सेंटर कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो मुझे लगता है सेंटर सभी जगह उपलब्ध होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी उपलब्ध होगा सेंटर, ठीक है। तो सेंटर आप देख सकते हैं, तो जो कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होगा मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस PDF को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अभी कुछ देर में, तो वहाँ से भी जाके आप इस PDF को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।